अरे मोदी जी, एक ब्रेड पकौड़ा देना जो गरम गरम निकाल ले, यही वाला एक ब्रेड पकौड़ा खट्टी वाली चटनी मिलाकर दे दो। बहुत दिन हो गए तुम्हारे ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया है, जल्दी दे दो चटपटी चटनी डाल के। और अखिलेश तुम कैसे बैठे हो, दूर जाके कैसे बैठे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, समझे, यहाँ पर बैठे बैठे। मोदी जी तो ब्रेड पकौड़ा उधार देते नहीं है और जेब में पैसे है नहीं। मैं सोच रहा था कोई जान पहचान वाला आ जाए, उसकी प्लेट में से थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा तोड़ के चख लूं। इनका ब्रेड पकौड़ा बहुत बढ़िया होता है, जब तक खाओ नहीं तब तक मुंह साफ नहीं होता है, बहुत ही चटपटा होता है इनका ब्रेड पकौड़ा। अखिलेश ऐसी फ्री का ब्रेड पकौड़ा देखते फिरना, कभी केजरीवाल आते उनका तोड़ के खा लेते हो थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा, कभी अमित शाह आते तो उनकी प्लेट में से थोड़ा सा तोड़ के खा लेते हो, कभी अपना पैसा खर्च नहीं करते। अगर मुझसे लेते भी हो तो उधार लेते हो, अगर मैंने तुम्हें एक दो बार उधार दे भी दिया है तो तुमने महीनों लगा दिए उसे चुकाने में, अब तो मैंने तुम्हें देना ही बंद कर दिया। अरे कोई बात नहीं है मोदी जी, मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा लगाओ, उसी प्लेट में से मैं अखिलेश को अपने साथ खिला लूंगा। किसी जमाने में इन्होंने भी मुझे बहुत ब्रेड पकौड़े खिलाए थे, लेकिन अब इनका वक्त खराब चल रहा है थोड़ा, तो बेचारे इधर उधर से खा रहे हैं। कोई बात नहीं, खा लेने दो। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।